अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कोई बैंक लूटी है इतना सारा पैसा? अरे ऐसा बोलोगी, सुनी नहीं हो? दीवार का भी कान होता है। हाँ, लेकिन मुंह तो नहीं होता ना, जो किसी और को बताएंगे। तो अपना शाशु छोड़ो और ये बताओ, कहाँ से मार के लाई हो ये गड्डियाँ? कुछ भी बोलती हो ना तुम। अरे तुम्हारे पापा के गल्ला में से सालों से चोरी छिप के सेंधमारी करके जोड़े हैं ये पैसे। तो सीधे बोलो ना, पापा से चोरी किए हुए पैसे हैं? चल पक। पता है हमारे मन में ना बचपन से चट्टिन जैसा ख्याल आता था कि किसी का बॉयफ्रेंड अच्छा है तो रिझा के उसका बॉयफ्रेंड बटा ले, कोई पैसे वाला है तो उसका पैसा चुरा ले। अब समझ आया कि चट्टिन बना ना तो खून में है हमारे। पक, अपनी माँ को चोटिन बोलते तुमको शर्म नहीं आता है? अरे शर्म नहीं, प्राउड वाला फील होता है। बल्कि हम तो कहते हैं ना, माँ नहीं गुरु माँ बन के अपना ये चिरकुट बनती और कमीना बनती हमें भी सिखा दीजिए। ये दुखियारी आत्मा बन के हमको नहीं जीना माँ। अरे अम्मी बौड़म रानी, मिर्ची को तीखा होना कौन सिखाता है भला? अरे तुम तो हमरे पेट से ही ये सब के सब गुण लेकर ही जन्मी हो, जहर बुझी मिर्ची। हम दोनों मिलके अपना हक बटोरेंगे, बस एक समस्या है, इस सुनैना आके ना सब गड़बड़ करती है। पहले तो भाई साहब का पीरापटी में से तुम दोनों बहनों का पता तो साफ हो ही गया है, ऊपर से राजकुमारी जी और नमन सिंह ये दोनों भी वो सुनैना के मुंह में पड़े हैं। इसलिए कह रहे हैं पंकजा, सतर्क हो जाओ, नहीं तो ये जो सुनैना नाम की चिड़िया है ना, ये तुम्हारे हक का सब मार ले जाएगी, बता रहे हैं। मम्मी, हमें तो लगता है ना सुनैना के पीछे कोई और भी राज है, वरना पापा थप्पड़ खा के चुप रहने वालों में से तो नहीं है। अरे जय बात तो हम भी सोच रहे थे पंकजा, बचपन में एक बार उनकी अम्मा उनको थपड़िया दी थी तो ये पूरा एक हफ्ता घर नहीं आए थे। भाभी का थप्पड़ में अपनी अम्मा से ज्यादा प्यार तो नहीं ना हो सकता है, तो मतलब कोनो और बात है। क्या है? हमको बताएगा कौन? सुनैना खुद बताएगी मम्मी। सारे बॉडीगार्ड लोगों को आवाज दे दी तुम? नकली छिपकली है। तुम्हारा मतलब ये छिपकली नकली है? हाँ, अब नीचे आ जाओ तुम, हमें नहीं पता था मजाक से इतना डर जाओगी। सच्ची? हाँ। अरे हाँ भाई, ऐसे मजाक कोई करता है क्या? डर गए थे। अच्छा सॉरी बाबा, नहीं करेंगे मजाक। और एक और बार सॉरी, उस दिन हमने नमन सिंह के सामने तुम्हें धक्का दिया था ना। सुनैना, हमारी ना शुरुआत ही गलत हुई थी, क्या कहती हो शुरुआत से शुरू करें? फ्रेंड्स?
का संगठन करने आई हो सुनैना के साथ। और तुम चीकी काहे थी? वो बड़ी माँ, सुनैना को हमने नकली छिपकली से डरा दिया था इसलिए वो चीखी, और ऐसे हाथ मिला के हम उसे सॉरी बोल रहे थे। वैसे सुनैना नहीं, सुनैना दीदी बोला करो, तुमसे पूरे एक साल बड़े हैं हम। दीदी जैसी लगती तो नहीं हो तुम? तो दीदी मत बुलवाओ ना, सुनैना ही ठीक है। तो सॉरी सुनैना, हम बाद में आते हैं। ये जो पंकज है ना, ये सबसे बड़ी चंट है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा दूर रहना, ना कुछ बताना ना बतियाना। पूछी सॉरी बड़ी माँ, आपकी बेटी हमसे बतियाएगी भी और हमें सब बताएगी भी, क्योंकि चंट तो हम हैं। अभी ये क्या किया? मेरे डे ड्रीम पे पानी फेर दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग हमारा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया है। हमारा खराब हो गया? हाँ, पगला गए हो क्या? शर्म नहीं आता साला? यहाँ पे बचपन में हम लोग अपना दिल बनाते थे, अपना नाम लिखते थे नमन सिंह BFF गुड्डू तिवारी, और तुम क्या लिखे हो? क्या लिखे हो? सुने ना नमन लव गुड्डू लिखते थे यार। बैठो, शांत। देखो गुड्डू ऐसा है, अब हम बड़े हो गए, अब तू हमें बता, अगर यहाँ पे मैं तेरा नाम लिखूंगा कैसा लगेगा यार? कैसा लगेगा मतलब? तो क्या मतलब, सुनैना का लिखिएगा? देखो नमन, तुम्हारा ये जो है ना सुनैना सिंड्रोम, ये हमसे नहीं खेला जा रहा है। जाओ दुनिया को अपनी फीलिंग बताओ। सच बताएं, ये फीलिंग्स क्या है ये तो हम खुद भी नहीं जानते, दुनिया को क्या बताएं। हाँ लेकिन एक बात जानते हैं कि वो हमें बहुत अच्छी लगती है। उठो, चलती उठो। देखो गुड्डू, मुझे एक बार और उससे मिला है। ऐसे मिलेगा बाल्टी लेके? ये लो ये बाल्टी, और डाल दो ये सारा पानी हमारे ऊपर, ये डुबा दो हमें किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी झील में, या फिर किसी डाम में। लेकिन एक बार बस हमें सुने ना समझ बात। पगला गया तू, बुद्धि भ्रष्ट हो गया तेरा, अखंड बर्बाद हो चुके हो तुम्हें ना, रोग लगा, रोग समझ रहे हो, रोग लग गया तुमको। तू है ना मेरा डॉक्टर? अरे देखो, बस एक डोज दे दो मुझे सुनैना से मुलाकात की। अच्छा एक एक एक
नम इधर आओ। अब देखो देखा देखो डू आई नो कि तू ये कर सकता। तुझे पता है इस पूरे मुंगेर का सबसे जुगाड़, सबसे स्मार्ट और सबसे प्यारा इंसान अगर कोई है तो वो है गुड्डू तिवारी। यार नमन, अमेरिका जाके भी ना तुम्हारा इमोशन हमारे लिए खत्म नहीं हुआ यार। हाँ PFF करेंगे, जरूर करेंगे। एक बार तो तुम्हारे लिए रिस्क लेंगे हम जरूर। हाँ, चाहे जाए। लेकिन हाँ, तुम ना सुनैना से मिलने के बाद में ये ना भूल जाना कि तुम्हारा सगाई पंकजा के साथ थी। हम कहे थे ना पंकजा की सगाई तय हो गई है, तो हम सब उकलिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग मतलब आप लोग मार्केट जा रहे हो? मार्केट वही ना जहाँ अलग अलग तरह तरह की दुकानें होती हैं, अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। माँ हमें भी ले चलो ना, सुनैना को भी देखना है कि मार्केट कैसा होता है, शॉपिंग कैसी होती है। प्लीज माँ प्लीज, सिर्फ एक बार देखना है। माँ सुनैना को अकेले मत छोड़ो, अगर अगर उस दिन की तरह काला शैतान फिर से आ गया तो। हाँ आपके यहाँ से जाने के बाद काला शैतान आया था हमें मारने के लिए। सुनैना के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए उसका घर पे अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। प्लीज माँ प्लीज, सिर्फ एक बार, सिर्फ हमारे खातिर प्लीज। हाँ ये ठीक रहेगा, तू चल हमारे साथ। सच्ची सच्ची चल तू हमारे साथ। थैंक यू बड़ी माँ। मैं भी ना बस आपसे यही पूछने आने वाली थी। दी आज हम दोनों सिस्टर्स का फर्स्ट शॉपिंग डे आउट होगा। आई एम सो हैप्पी। चलो वी आर गोना हैव सो मच फन। ये लीजिए, ये तो रात आने के पहले ही मालकिन भैया ने मुझे मौका दे दिया। बेटी को चटक रहा है, अब फिस्कट पहने है ना। का? फिस्कट? ओ, जलपरी कट? हाँ, ओए। खा रमोला, बिटिया की शादी हो रही है, ओके शादी का शॉपिंग के लिए यहाँ आए हैं और तुम खुद जलपरी बनने में लगी हो। अरे बड़ी माँ फैशन है, और जलपरी बूढ़ी नहीं होती क्या? जब दो लोग बात करें ना तो बीच में मत बोला करो, समझी? अच्छा चलो ठीक है। हाँ, चलो आइए दीदी। जाएगा, माफ कर दीजिए, बच्ची है, गलती हो गई। शुक्र भाई साहब, चल 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 चल।
आंटी नमस्ते आंटी। नमस्ते। 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 वुडबी जीजू आप यहाँ? हाँ वो एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए। और आप लोग? हम भी शॉपिंग के लिए आए, पर आप दोनों ने जैसे टाइमिंग मैच कर लिया शॉपिंग की तो अच्छा है। चलो साथ ही शॉपिंग कर लेते हैं, फिर आप दोनों डिसाइड करके मैचिंग ट्विनिंग जैसे भी है सेम टाइप के कपड़े ले लेना। अरे ये बात तो सिबी ने बिल्कुल सही कही है। तो चलें? हाँ लेकिन उससे पहले हम कुछ खाने का सोच रहे थे। अब तो एक काम करें, आप लोग शॉपिंग शुरू करो, मैं बाकी सबको श्रीराम की आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। वाव वो तो मेरी फेवरेट है। जी तो बहुत ही बढ़िया है, दोनों का पसंद श्री राम आइसक्रीम। बस अब आप दोनों का जोड़ी भी भगवान राम और जानकी के जैसा जम जाए बस। मेरे सोने आवे। जाओ जाओ खा के आओ जाओ। चलो लेट्स गो सुनैना दी। सुनैना? नहीं बड़ी माँ, मैं हूँ ना दी के साथ, यू डोंट वरी। अच्छा ध्यान से, पर इसे अकेला मत छोड़ना। चले लेट्स गो जीजू। चलो एक आप केसर मलाई दे दीजिए। और आप एक एक अपने शेयर करते हैं ना? माँ कहती है शेयरिंग से प्यार बढ़ता है। हाँ नमन भैया शेयरिंग करो। लगता है शर्मा रहे हैं। हम सब एक काम करते हैं, सब इधर उधर देखते हैं। हाँ हाँ अब आप हो तो हम लोग अपनी आंखें मूंद लेते हैं। हाँ ये सही है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने आइसक्रीम खा लिया, मे बी नेक्स्ट टाइम। अरे ऐसे कौन खाता है?
एक मिनट आप, लेट मी हेल्प। तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, बगल में वॉशरूम है, सुनैना वहीं चली जाएगी। गुड आइडिया, एक काम करता हूँ, मैं लेके जाता हूँ, चलो आप। छोटी बच्ची नहीं है वो, जो अकेले वॉशरूम नहीं जा सकती, आप आकर यहाँ बैठिए। क्यों सुने ना, वैसे तो बड़ा बोल रही थी, एक साल बड़े हैं तुमसे, दीदी बुलाओ। अब क्या हुआ, वॉशरूम जाने के लिए भी कोई चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों कोई चाहिए, इतने तो बड़े हैं ही ना कि वॉशरूम अकेले जा सकते हैं। नहीं जाते। ओ, मैं भी आती हूँ, वरना बड़ी माना मुझे। नहीं शिव्या, तुम बैठो अब, हम सबसे बड़े हैं ना, तो हम अकेले बाथरूम जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं साथ आने की।